दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप गूगल पे पर अपना बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो। दोस्तों अगर आपने गूगल पे पर अपना अकाउंट बना लिया है लेकिन दोस्तों आपने गूगल पे पर अपना बैंक अकाउंट को ऐड नहीं किया है, गूगल पे पर अपने बैंक अकाउंट को लिंक नहीं किया है, तो दोस्तों जब तक आप गूगल पे पर अपना बैंक अकाउंट को ऐड नहीं करोगे, जब तक आप गूगल पे पर अपना बैंक अकाउंट को लिंक नहीं करोगे तब तक आप गूगल पे पर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। तो चलिए आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको गूगल पे पर अपना बैंक अकाउंट को ऐड करना है, किस तरह से आपको बैंक अकाउंट को लिंक करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू आ रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको गूगल पे पर अपना बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए मैं अपने गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे मैंने अपने गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो इसी तरह से सबसे पहले आपको गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और जैसे आप गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा गूगल पे एप्लीकेशन का। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे ऊपर में आपको गूगल पे अकाउंट का आपका लोगो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर, तो आपको इस वाले लोगो पर क्लिक करना है। और जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे आपके सामने कुछ इस तरह का न्यू इंटरफेस आ जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल पे अकाउंट पर बैंक अकाउंट को किस तरह से ऐड करना है, तो इसके लिए आपको नीचे आना है। और यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा योर क्यूआर कोड, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आपको योर क्यूआर कोड पर क्लिक करना है। और जैसे आप योर क्यूआर कोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट, तो आपको ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। और जैसे आप ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे आपके सामने सभी प्रकार का बैंक आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको लिस्ट यहाँ पर नीचे दिख रहा है, तो आपका अकाउंट जिस भी बैंक पर है आपको अपने बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको सभी प्रकार का बैंक यहाँ पर मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको अपना बैंक यहाँ पर नहीं मिल रहा है, अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, ऊपर में आपको सर्च बॉक्स भी मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आपको सर्च बॉक्स पर जाना है। और इसके बाद आपका जिस भी बैंक पर अकाउंट है आपको अपने बैंक के नेम को यहाँ पर सर्च करना है। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ स्टेट बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जैसे मैंने स्टेट ऊपर में लिखा है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे यहाँ पर बहुत सारा बैंक आ चुका है, और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आपका जिस भी बैंक पर अकाउंट है आपको ऊपर में सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है, और इसके बाद नीचे आपका अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको अपने बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है, इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे आपका अकाउंट यहाँ पर ऐड हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो एडिंग बैंक अकाउंट, और यहाँ पर आप देख पाओगे बैंक अकाउंट एडेड यहाँ पर हो चुका है, यानी कि मेरा बैंक अकाउंट गूगल पे पर ऐड हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से आपका भी बैंक अकाउंट गूगल पे पर ऐड हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप अपने बैंक अकाउंट को फर्स्ट टाइम कोई भी एप्लीकेशन पर ऐड कर रहे हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर UPI पिन सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अगर आपने फ़ोन पे पेटीएम कहीं पर भी अपने अकाउंट को ऐड किया है तो आपको UPI पिन सेट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हो तो आपको UPI पिन सेट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने ATM कार्ड का लास्ट 6 डिजिट डाल देना है, और आपको अपना UPI यहाँ पर पिन सेट कर लेना है। लेकिन अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी पहले से ऐड है फ़ोन पे पेटीएम पर, तो आपको UPI पिन सेट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप गूगल पे पर अपना बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप देख पाओगे मेरा बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट यहाँ पर मेरा दिख रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से आप गूगल पे पर अपना बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पाओगे मेरा QR कोड भी आ चुका है। तो इसी तरह से आपका UPI पिन भी सेट हो जाएगा, आपका QR कोड भी आ जाएगा, और आपका बैंक अकाउंट भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे 1 अकाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि मेरा 1 अकाउंट यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से आप गूगल पे पर अपना बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो। मैंने आपको इस वीडियो में सारी स्टेप बाई स्टेप बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू आ रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलते रहो एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।